अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कम्युनिकेशन सो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन द एक्ट और प्रोसेस ऑफ यूजिंग वर्ड्स साउंड्स साइंस और बिहेवियर्स टू एक्सप्रेस और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन और टू एक्सप्रेस योर आइडियाज़ थॉट्स फीलिंग्स एट्सट्रा टू समवन एल्स कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट वर्ड्स या फिर साइंस को यूज़ करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकें या फिर हम अपने आइडियाज़ फीलिंग्स थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें कम्युनिकेशन का हमारी लाइफ में सिग्निफिकेंट रोल है फर्स्ट ऑफ ऑल हम कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रस्ट डिवेलप करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेशन में हम डिस्कशन का पार्ट बनते हैं और इससे क्या होता है हर इंडिविजुअल अपना रोल प्ले करता है और टीम वर्क इम्प्रूव होता है सो so, कम्युनिकेशन क्या है कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं ताकि हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन चैनल की बेस पर कम्युनिकेशन की टू टाइप्स हैं कम्युनिकेशन चैनल को हम मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन सेकेंड है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टाइल और पर्पस की बेस पर भी कम्युनिकेशन की टू टाइप्स हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फर्स्ट पर हम वर्बल कम्युनिकेशन डिस्कस कर लेते हैं वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज टू सेंड एन इंटेंशनल मैसेज टू अ लिसनर वर्बल कम्युनिकेशन में हम कम्युनिकेशन के लिए साउंड्स और वर्ड्स को यूज़ करते हैं इट मीन्स हम स्पीच के थ्रू अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं वर्ड्स सिंपल और क्लियर होने चाहिए ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज हो सके वर्बल कम्युनिकेशन की फ़र्दर टू टाइप्स हैं रिटर्न कम्युनिकेशन औरल कम्युनिकेशन रिटर्न कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स टाइप्ड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ईमेल्स, टेक्स्ट चैट्स एस एम एस एंड एनी थिंग एल्स कन्वेड थ्रो रिटर्न सिम्बल्स सच एज लैंग्वेज इसमें टू मेन पॉइंट्स हैं रिटर्न डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में हम पेन और पेपर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स में हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करते हैं सच एज लैपटॉप मोबाइल फ़ोन्स कंप्यूटर रिटर्न डॉक्यूमेंट में हमारे पास लेटर्स एप्लीकेशन आ जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास ई मेल्स टैक्सट चैट्स या कुछ भी ऐसा जिसमें हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करें द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द राइटिंग स्टाइल ग्रामर वकीबलरी एंड क्लेरिटी ये हम इस तरह भी समझ सकते हैं अगर हमें कोई भी टीचर ऐसे या स्टोरी लिखने को कहे तो टीचर का मेन फोकस ग्रामर पर होगा स्टूडेंट के राइटिंग स्टाइल पर होगा उनकी वकीबलरी पर होगा और उनके सेंटेंसिस पर होगा कि वो क्लियर हैं या नहीं हैं नेक्स्ट है औरल कम्युनिकेसन ओरल कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स इसमें हम फोन कॉल वॉइस चैट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फेस टू फेस कम्युनिकेशन की एग्जांपल्स ले सकते हैं द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द क्लैरिटी ऑफ स्पीच वॉल्यूम पिच एंड स्पीड अगर आपको प्रेजेंटेशन का कहा जाता है तो उसमें आपकी क्या चेक होगी प्रोनंसिएशन चेक होगी स्पीच चेक होगी वॉल्यूम पिच और स्पीड चेक करेंगे नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेजेस। इट इंक्लूड्स बॉडी लैंग्वेज गेस्टर्स पोस्टर्स आई कॉन्टैक्ट फेशियल एक्सप्रेशन इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से ओवरऑल बॉडी मूवमेंट्स इट मीन्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम स्पोकन वर्ड्स और रिटर्न टेक्स्ट यूज़ नहीं करते ये किस पे डिपेंड करती है बॉडी मूवमेंट पे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ डिफाइंड एज हाउ पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट टॉकिंग और राइटिंग एवरी वन यूज इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल द टाइम वेदर दे नो इट और नॉट स्टाइल और पर्पस की बेस पर भी कम्युनिकेशन की टू टाइप्स हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसमें हम फर्स्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन इज एक्सचेंजिंग ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन बाय फॉलोइंग प्री डिफाइंड रूल्स एंड यूजिंग ऑफिशियल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारे पास ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसमें रूल्स पहले से ही फिक्स्ड होते हैं फॉर एग्जांपल मीटिंग्स स्पीचेस प्रजेंटेश हैंड आउट्स नोटिस बोर्ड लास्ट है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कैजुअल कम्युनिकेशन बिटवीन को वर्कर्स इन दर्क प्लेस इट इज़ ऑफिशियल इन नेचर मीन्स डेट कोई भी रूल फिक्स नहीं होता फॉर एग्जाम्पल गॉसिप, सिंगल स्टैंड क्लस्टर फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंस रूल्स का है फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम रूल्स को फॉलो करते हैं और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम रूल्स को फॉलो नहीं करते लास्ट पे हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं इसमें हमारे पास फर्स्ट पे है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होता है किसी भी काम को अच्छे से परफॉर्म करना ट्रस्ट वर्दी होना फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है मोर रिलायबल है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लेस रिलायबल है क्योंकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारे पास इंफॉर्मेशन भी ऑथेंटिक होती है और वहाँ हम रूल्स को भी फॉलो करते हैं इनफॉर्मल में हमारे पास कोई रूल भी नहीं होता और ना ही कोई इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक होती है नेक्स्ट है स्पीड फॉर्मल कम्युनिकेशन की स्पीड स्लो होती है जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्विक प्रोसेस है टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारे पास कोई भी प्रोसेस नहीं होता फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमें मोर टाइम की रिक्वायरमेंट होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में लेस टाइम रिक्वायर होता है नेक्स्ट है सिक्रेसी सिक्रेसी मीन्स क्या होता है किसी की भी प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना करना फॉर्मल कम्युनिकेशन में सिक्रेसी मेंटेन रहती है जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सिक्रेसी मैंटेन्ड रहना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें हर इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है नेक्स्ट लेक्चर में हम कम्युनिकेशन स्किल्स को डिस्कस करेंगे आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी थैंक यू सो मच